नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे एबीपीएस न्यूज। नीतीश ने तेजस्वी पर कसा तंज, बोले बिना ज्ञान की नौकरियां देने का वादा करने वाले कहीं अपना धंधा ना कर दें चालू। उत्तर बंगाल में पार्टी नेताओं के साथ एक संगठित बैठक करेंगे जेपी नड्डा। नोएडा में किशोरी ने आत्महत्या, अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की हुई मौत। स्कूल खोलने को लेकर सभी की राय लेने के बाद फैसला करेगी गुजरात सरकार। भारतीय सेना ने लद्दाख के डैम चौक से चीनी सैनिक को किया गिरफ्तार, प्रोटोकॉल के तहत होगी वापसी। संत रामदास के हत्यारों को पकड़ने के लिए बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। UPSEE 5 चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग, आज से जारी हुआ शेड्यूल। इंटरमीडिएट व मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीख घोषित, जैक की वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। DU सेकेंड कट ऑफ लिस्ट 2020 एडमिशन। दिल्ली विश्वविद्यालय DU के अंडर ग्रेजुएट UG कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरी कट ऑफ लिस्ट 17 अक्टूबर शनिवार को जारी कर दी गई है। UKSSC रिक्रूटमेंट 2020, आज से आवेदन शुरू। 1431 पदों की भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, थाना मजोला मार्ग गांव मंगूपुरा 0 सड़क दुर्घटना में एक अजनबी युवक की मौत हो गई। मुरादाबाद आर्मी के जवानों ने दिए आत्म सुरक्षा के टिप्स। IFTM विश्वविद्यालय में चल रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के दूसरे दिन आर्मी के जवानों ने NCC के कैडेट्स को आत्म सुरक्षा के टिप्स दिए। मुरादाबाद भाग रहे कार चालक को पुलिस ने दबोचा। थाना मजोला के इलाके हाईवे पर एकता द्वार के सामने एक तेज रफ्तार आती कार ने बाइक को रौंद डाला। मुरादाबाद खतरनाक बदमाश की तलाश में खंगाला रेड जोन इलाका। जिले की क्राइम ब्रांच को पूरी टीम, जिसमें लगभग दर्जन से भी अधिक सिपाही और इंचार्ज मौजूद थे। ये सभी लोग केंद्रीय विद्यालय से पैदल ही SP रेल ऑफिस से होते हुए करण सिंह कॉलोनी से रेड जोन इलाके में पहुंचे और सभी घरों और सड़क किनारे लगे खम्भों को देखा। मुरादाबाद नवजात पुत्र का सौदा, थाना कटघर चौकी दशराय कॉलोनी क्षेत्र डबल फाटक। हैरत भरा समाचार, कई सप्ताह पूर्व एक कूड़ा करकट बीनने वाली महिला ने व उसके पति ने किया अपने नवजात शिशु का सौदा। संबल ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका क्षेत्र में 5 पार्क जर्जर बदहाल वीरान पड़े हैं। उन पार्कों का सुंदरीकरण ग्रीन बेल्ट व उपनगरी सरायतरीन में न्यू पार्क बनवाने की मांग की गई है। बदायूं जनपद में महिला सुरक्षा के लिए गठित महिला पुलिस बल की टीम को SSP संकल्प शर्मा के साथ DM चौराया से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। मीरगंज युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मानवीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पराली न जलाने के संदेश को लेकर गांव गांव साइकिल यात्रा निकाली। बदायूं श्री गंगा सेवा समिति के उत्तर प्रदेश प्रभारी दिव्य आत्मानंद जी एवं सह प्रभारी स्वामी रामदास के कछला प्रथम आगमन पर समिति के सदस्य व गंगा भक्तों ने स्वागत समारोह किया। बदायूं में अवैध शस्त्र व सेंट्रो कार समेत 2 साथी गिरफ्तार हुए। बिलसी नगर के बिसौली रोड स्थित पद्मांचल जैन मंदिर पर अरिहंत वृक्षारोपण समिति के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला जन प्रतिनिधियों के वर्चुअल संवाद प्रस्तुत किए गए। रामपुर मिशन शक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा शरदीय नवरात्रि से लेकर बासंतिक नवरात्रि तक 180 दिन का व्रत कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। संबल नगर के मोहल्ला कोर्ट गर्वी क्षेत्र स्थित स्प्रिंग बेल्स स्कूल में संबल फाउंडेशन के तत्वावधान में महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खां के जन्म दिवस पर गोष्ठी आयोजित की गई। बिलसी उधानी सर्किल से स्थानांतरण होकर आए पुलिस क्षेत्र अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बीती रात यहां पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।